गाइस, सुशांत यहाँ पे। आज हम बात करेंगे कि आपको कितने क्रंचेस करने की ज़रूरत है अपने पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, अपना पेट कम करने के लिए आपको कितने क्रंचेस करने की ज़रूरत है। और जवाब है ज़ीरो, एक भी नहीं। आपको एक भी क्रंच करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए। ये मोस्टली इंडिया में मैंने देखा है, हो सकता है बाहर भी हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये धारणा है, वहम है कि हम जितने ज़्यादा क्रंचेस करेंगे उतना हमारे पेट की चर्बी ख़त्म होगी, कटेगी, बर्न होगी। ऐसा नहीं है। और काफ़ी बार तो ये जिम के ट्रेनर्स को भी नहीं पता होता, तो वो खुद ही अपने क्लाइंट्स को या जिम में जो लोग आ रहे हैं उनको बोलते हैं 500 क्रंचेस करो, 1000 क्रंचेस करो, 500 पे पेट कम नहीं हो रहा तो 1000 करो, 1000 पे कम नहीं हो रहा 1500 करो। और वो खुद भी करते हैं, जिम के ट्रेनर्स खुद भी करते हैं और उनको लगता है उसी से रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अगर क्रंचेस से पेट कम नहीं हुआ तो क्या क्रंचेस नहीं करने चाहिए? क्रंचेस अगर आप करते हो या एब्स की कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ये सोच के मत करो कि इससे हमारा पेट कट रहा है, इससे हमारा फैट कट रहा है, इससे हमारी चर्बी कट रही है, बर्न हो रही है, कम हो रही है। ये सोच के मत करो, सिर्फ ये सोच के करो कि इससे हमारे पेट के अंदर की जो मसल है, पेट की जो मसल है वो मजबूत हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है, वो डेवलप हो रही है। आपकी एब्स, आप एब्स की एक्सरसाइज करते हो, क्रंचेस करते हो, दूसरी एब्स की एक्सरसाइज करते हो, तो आप ये सोच के करते हो कि मैं क्रंचेस कर रहा हूँ या मैं क्रंचेस कर रही हूँ तो इससे मेरा पेट कम हो रहा है और धीरे 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 कम होते होते इससे एब्स बाहर आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एब्स क्रंचेस करने से ऐसा नहीं है धीरे धीरे वो पेट कम होगा और एब्स बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रंचेस करने से आपके वो अंदर जो मसल है वो डेवलप होगी। ऐसा है, देखो, अंदर पेट के अंदर मसल है, पेट की मसल है, इसके आगे फैट जमा हुआ है। तो जब आप क्रंचेस कर रहे हो तो आप क्रंचेस अगर कर रहे हो तो ये जो मसल है ये स्ट्रांग हो रही है, इस फैट पे कोई असर नहीं हो रहा है, ये वहीं का वहीं है, ये मसल स्ट्रांग हो रही है। लोगों को लगता है कि हम क्रंचेस करते जाएंगे तो ये फैट कम होते 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 तो हट जाएगा और ये एब्स बन के दिखने लग जाएगा कुछ ऐसा। ऐसा नहीं है। आपकी एब्स तब दिखेंगी जब ये आगे की जो चर्बी है, जो फैट है, ये हट जाएगा। इसे हटाने का क्या तरीका है, कैसे हटेगा, ये एक दूसरी चीज़ है, एक दूसरा सवाल है। लेकिन अगर ये चर्बी हटेगी तो आपकी एब्स दिखने लग जाएगी। हो सकता है वो कम डेवलप हुई हुई हो या वो कम मजबूत हो तो वो थोड़ी पतली दिखेंगी, अगर वो अच्छे से डेवलप हुई हुई है, काफ़ी मजबूत है तो वो थोड़ी मोटी दिखेगी। लेकिन वो दिखेगी तभी जब उसके आगे चर्बी है। अगर आपकी एब्स बहुत मजबूत है, आपका पेट बहुत मजबूत है, आप पेट की मसल बहुत मजबूत है, बहुत डेवलप्ड है और आगे चर्बी है तो भी वो नहीं दिखेगी, चर्बी हटेगी तभी वो दिखेगी। तो पेट की चर्बी कम कैसे करी जाए? मैं जो सजेस्ट करता हूँ, एक्सरसाइज करो और सही डाइट फॉलो करो, तो चर्बी जो कम होगी वो आपके पूरे शरीर से होगी, उसके साथ साथ वो आपके पेट से चर्बी कम होगी। और जब पेट से चर्बी कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि आपके एब्स दिखने लग जाए तो आपके एब्स दिखने लग जाएगी। तो बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि क्रंचेस करने से पेट का फैट जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्रंचेस से सिर्फ आपके अंदर ही मसल डेवलप हो रही है और आपका पेट का फैट वैसे ही जाएगा जैसे शरीर के किसी और हिस्से का फैट जाएगा, थाइस का फैट जैसे जाएगा, जांघों का फैट जैसे जाएगा, पीठ का जैसे जाएगा, छाती का जैसे जाएगा, वैसे ही आपके पेट का भी जाएगा। और वो जाएगा, एक्सरसाइज करो, सही डाइट फॉलो करो, सही खाना खाओगे तो आपके पेट की चर्बी कम होगी और बाकी सारी जगहों की भी चर्बी कम होगी, वो सब एक साथ ही कम होगा। इसके बारे में पुरानी वीडियोज में बात कर चुका हूँ। और वो चर्बी कम होते होते जब आपके पेट की चर्बी काफ़ी कम हो जाएगी तो आपकी एब्स दिखने लग जाएगी, जितनी भी वो डेवलप हुई हुई है उतनी दिखने लग जाएगी। अगर कम डेवलप हुई है तो थोड़ी पतली दिखेंगी, हल्की दिखेंगी, ज़्यादा डेवलप हुई है तो मोटी दिखेंगी, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगी। एब एक्सरसाइज, क्रंचेज या कोई भी दूसरी एब्स की एक्सरसाइज है, वो सिर्फ इसलिए करो क्योंकि तुम्हें अपने एब्स की, पेट की मसल को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, उसे डेवलप करना है, उसे बड़ा बनाना है। जैसे कि तुम किसी और शरीर के हिस्से की एक्सरसाइज करोगे, जैसे तुम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो कि डोला बड़ा हो जाए, बाइसेप बड़ी हो जाए, मसल बड़ी होगी तभी डोला बड़ा होगा, तभी अच्छा दिखेगा। तो जैसे तुम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो,
वैसे ही तुम पेट की एक्सरसाइज करो, ये सोच करके कि पेट हमारा मजबूत हो जाए, पेट की मसल बड़ी हो जाए, डेवलप हो जाए, ये सोच के करो, ये सोच के नहीं कि वहाँ से फैट कम हो जाए। पेट की एक्सरसाइज भी ऐसे ही सोच के करो जैसे बाकी सारे शरीर के हिस्सों की एक्सरसाइज सोच के करते हो कि हमें उन्हें मजबूत बनाना है। इसमें मैं बस ये समझाना चाहता था कि जो लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा वहम है कि क्रंचेस करने से हमारे एब्स आएंगे और वो 500 हज़ार, 1,500, 2,000 तक क्रंचेस करते हैं, ऐसा करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं है। आप सही एक्सरसाइज करके, सही डाइट फॉलो करके वजन कम करोगे, धीरे धीरे आपके पेट से भी चर्बी कम हो जाएगी और आपकी एब्स दिखने लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।